नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज। मैं हूं पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। क्यों लेकर गई पुलिस अस्पताल में फिर वापस लाई, रात से ही थाने पर बिठाया गया। नगर कोतवाली के अंतर्गत ऊंचे छिनरी निवासी काजल यादव ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र में गाँव के ही 3 लोगों के ऊपर छेड़खानी व विरोध करने पर घर में मिलकर मारपीट का आरोप लगाया, जिस पर नगर कोतवाली में तैनात जसवंत सिपाही की दबंगई काफी हद तक सही मानी जा रही है। जबकि पीड़िता व पीड़िता का भांजा और देवर ने बताया, जसवंत सिपाही के इशारे पर मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। अब वाक्य है, पीड़िता के भांजे को पुलिस क्यों लेकर गई अस्पताल, फिर बगैर मेडिकल के वापस क्यों लाई। अब अगर पीड़िता के भांजे को चोट लगी थी तो पुलिस मेडिकल क्यों नहीं कराई। अगर चोट नहीं लगी थी तो पुलिस मेडिकल के लिए जिला अस्पताल क्यों भेजा। यह चीज हजम नहीं हो रही है। संदेह के घेरे में ना तो अभी तक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ना कोई भी अधिकारी सार्थक जवाब दे रहे हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से बात की गई, उन्होंने बताया, अभी मेरे जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी घटना है तो तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा।